वाईफाई स्टडी 2.0 पर मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे सामने एक बहुत ही सरप्राइजिंग घटना पर जिक्र करने के लिए। देख करके आप में से बहुत सारे लोगों के मन में कौतूहल बन चुका होगा कि सूरज का एक अगर बहुत बड़ा हिस्सा टूट गया है तो अब हम कर क्या रहे हैं, कुछ हमको दिखा क्यों नहीं है, अब तक हमें कुछ पता क्यों नहीं चला है। हम तो तब से बाहर निकल के बैठे हुए हैं जब से आपने सेशन शुरू करने की बात की है। कई बार तो हम सूरज को देख लिए हैं, हमें तो अभी भी वो गोल ही दिखाई पड़ रहा है। ऐसा क्या मजा ले रहे हो सर हमसे? आपके सभी सवालों का जवाब आज के सेशन में मिल जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें और जानकारी प्राप्त करना शुरू करें। साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी 2.0 पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, ये सूरज का हिस्सा टूटा तो टूटा कैसे, कहाँ टूटा और हमें पता क्यों नहीं चला। क्या हमें पता चलने वाला है? पता चलने वाला है तो हमें क्या सतर्क रह करके तैयारी करनी होगी? और आप तो बता रहे हो, लेकिन दुनिया भर के अंदर सुर्खियों में ये क्यों नहीं आ रहा है? हमने तो चला कि सारा नेशनल मीडिया सुन लिया, लेकिन कहीं भी कुछ आ नहीं रहा है। आप कुछ भी कर दे रहे हो क्या? अजी भाई, ऐसा नहीं है, तसल्ली से सुने और आगे आपको बताते हैं। इधर आइए, आपके सामने प्रमुख हेडलाइंस दिखाई दे रही हैं। पार्ट ऑफ सन ब्रेक ऑफ नियर इट्स नॉर्थ पोल, नेटिजन्स यानी इंटरनेट की दुनिया जो है वो एकदम अचंभित है। ह्यूज पोर्शन ऑफ द सन ब्रेक ऑफ फ्रॉम द सरफेस स्विल अनाउंस नॉर्थ पोल। यहां पर आप देख सकते हैं, पीस ऑफ सन ब्रेक ऑफ क्रिएट टॉर्नेडो लाइक स्विल लीविंग साइंटिस्ट बेफेल्स। और सभी साइंटिस्ट इस बात को लेकर अचंभित हैं कि यह है उनके नजर में शायद ये घटना पहली बार हो रही है, यानी कि ये खबर तो सच है। 10 फरवरी को सभी अखबारों में छपी है, 11 फरवरी को आप मेरे साथ में अभी सुन रहे हैं, और इस समय जब इस खबर को सुन रहे हैं तो निश्चित ही आपके मन में इस बात की पूरी जिज्ञासा और इंपॉर्टेंस होना चाहिए कि हुआ क्या है, आफ्टर ऑल कोई तो बताए चल क्या रहा है। लेकिन इस बात को बताएं उससे पहले थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं। बेसिक्स जब आपको पता होंगे तो इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। साथियों, हम जिस धरती पर रहते हैं, जैसे आप नीला प्लेनेट कहते हैं, असल मायने में इसकी खुद की कोई रोशनी नहीं होती है। तो फिर क्या है, हम तो प्लेनेट हैं, कहा ना, हम तो ग्रह हैं, हम किसी और के रोशनी से चमकते हैं। जो खुद की रोशनी से चमकते हैं उन्हें हम स्टार कहते हैं। तो जो हमारा सूर्य है वो असल में एक स्टार है, और हम जितने भी प्लैनेट्स हैं, जैसे अर्थ इंक्लूडिंग मार्स जुपिटर, ये जितने भी हैं, ये सभी के सभी प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स का मतलब जो दूसरे की रोशनी से चमकते हों। तो हम जिस सौर मंडल में रहते हैं वहां सूरज के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूरज की रोशनी से चमकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनता है, फिर सूरज के पास रोशनी कहां से आती है? जी हाँ साथियों, सूरज के पास रोशनी कहां से आती है, यह बहुत ही यथार्थ सवाल है। और इसका जवाब है कि यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाते हैं। बोले वाह, इंडिया में बना लेंगे तो क्या इंडिया में बनना नहीं शुरू हो जाएगा सूरज का? अरे हमने कहा भाई, दुनिया भर के बहुत सारे साइंटिस्ट इसी रिएक्शन को अब करा के देख भी रहे हैं, जिसे आप आर्टिफिशियल सन का निर्माण के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि हम में से बहुत से देश ऐसे हैं, इंडिया भी इंक्लूड है फ्रांस के साथ, जैसे जापान, चाइना जो है वो खुद से अपना एक छोटा सा सूरज बना के देख रहा है, यानी सूरज के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं उन्हें वो करके अपने देश में देख रहा है कि क्या वाकई में इससे एनर्जी बनती है। और जवाब है बिल्कुल सही, बिल्कुल बनती है। फिलहाल के लिए हम इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करते हुए इतना समझेंगे कि सूरज में रोशनी का जो सबसे बड़ा आधार है या ऊर्जा का जो सबसे बड़ा आधार है वो यहां पर होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हैं। चलिए इतनी बात आगे समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। फ्यूजन रिएक्शंस के बाद में अब सवाल आता है, सर हम तो लाइन में खड़े हैं, सबसे पहले तो मरकरी का नंबर आएगा अगर कुछ भी होगा तो, फिर वीनस का नंबर आएगा, फिर अर्थ का नंबर आएगा। मैंने कहा नहीं, हम सब लोग सूरज के जस्ट सामने हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ ज्यादा दूर है कुछ नजदीक है। हमने तो सबने अपने आप को अलाइनमेंट में लिया हुआ है ना, दूरियां अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है जैसे समटाइम्स किताबों में ये फोटो देख करके हम लोग सोचते हैं लाइन में हैं, पहले तेरी बज्जी फिर तेरी बज्जी फिर हमारी बज्जी आएगी, ऐसा नहीं होता है ना। तो सूरज से हम सब लोग डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस में साइड बाय साइड अलाइन है कुछ इस प्रकार से। तो अब हम अगर बात करें कि सूरज से अर्थ कितना दूर है, तो ये है लगभग 150 मिलियन माइल्स किलोमीटर, है ना, सॉरी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। कौन? अर्थ। किससे? सूरज से दूर है। चलो सर बहुत दूर है, इतने में तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे हमने कहा तब भी ये आपके पास दिन और रात करने की काबिलियत रखता है, समझ जाओ कि यहां पर कितना भयंकर हालात होता होगा। बोले हाँ सही तो कह रहे हो आप, चलो तो इस सूरज को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ऐसा भी कौन महानुभव हो गया जो अर्थ को भी देख रहा है
और सूरज को भी देख रहा है। ये तो केवल कल्पना हो सकती है सर, क्योंकि अर्थ पर से ही तो हम सूरज को देखते हैं। ये तो अर्थ और सूरज को कोई डायरेक्ट देख ले रहा है, इतना बुद्धिमान प्राणी कौन हो गया? हमने कहा देखिए, जितना ज्ञात ब्रह्मांड है उसमें सबसे बुद्धिमान व्यक्ति तो इंसान ही है। अब ऐसी स्थिति में अगर इंसान है तो इंसान ने तरीका निकाला होगा। क्या तरीका निकाला होगा? उसने अर्थ से ऊपर की तरफ कोई कैमरा भेज दिया होगा, यहां एक कैमरा भेज दिया जिससे कहा कि तू मेरी भी फोटो खींच और इसकी भी फोटो खींच, तो खींच मेरी फोटो। और ये जब दोनों ने फोटो खींची कि अर्थ की भी खींच और सन की भी खींच और बता चल क्या रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो कैमरा ऊपर भेजा गया इसके बारे में जानना जरूरी है और हमें जानना भी चाहिए। साथियों, इस कैमरे का नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये रहा वो आपके सामने टेलीस्कोप जो कि 2021 में नासा के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। यानी कि ये वो टेलीस्कोप है जो कि चंद्रमा पर अगर बिठा दिया जाए तो वहां से आपकी घड़ी में कितने बजकर कितने मिनट हो रहा है ये तक देख सकता है। यानी इतनी बारीकी से अंदर तक की सूचना एकत्रित करने की काबिलियत रखता है जेम्स वेब टेलीस्कोप। फिलहाल के लिए इसे भेजा गया है अंतरिक्ष वाली साइड देखने के लिए कि तुम ऊपर जाओ और वहां से जाकर के सूरज की तरफ देखकर बताओ चल क्या रहा है। इसी टेलीस्कोप ने हाल ही में एक जानकारी दी है। जानकारी है कि सर सूरज के बाहर कुछ लपटे उठी हैं। बोले कैसी लपटें उठी हैं? बोले जो आज तक नहीं उठी। अरे बोले जब जल रहा है तो जलने पर तो लपटें उठती हैं। बोले नहीं सर, ये वाली कुछ यूनिक है। बोले यूनिक कैसे हैं? बोले सर इसको समझने से पहले थोड़ा सा आप अपने साथियों को मित्रों को ये बता दो कि सूरज को 6 भागों में बांटा जा सकता है। कोर जो कि सबसे भीतर की तरफ है, फिर रेडियो एक्टिव जोन जो थोड़ा सा बाहर की तरफ है, फिर कन्वेक्टिव जोन जो कि इससे ऊपर की तरफ है, फिर फोटोस्फेयर जो कि आप सबको दिखाई पड़ता है फोटोस्फेयर वाला जोन, और क्रोमोस्फेयर जो कि फोटोस्फेयर से बाहर का जोन आपको दिखाई पड़ता है, और कोरोना जिसे हम सब लोग देख पाते हैं। यानी कि सूरज पे जो हम रोशनी देखते हैं चारों तरफ चमकता हुआ जो उजियमान क्षेत्र हम देखते हैं असल में वो कोरोना है। यानी कि सूरज के 6 भाग हैं, हमें कोरोना दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये जितना भी मसला चल रहा है ये फोटोस्फेयर जोन पर चल रहा है जो कि शायद नग्न आंखों से विजिबल ना हो। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी सी जानकारी आपको और मैं दे देता हूं ताकि आप इस बात को काफी अच्छे से समझ पाएं। जानकारी ये है साथियों कि सूरज का तापमान कितना होता है। एक बार के लिए जान लीजिए कि यहां का तापमान है 4 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सर ये कितना होता है? मैंने कहा बेटा 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी 40 लाख डिग्री सेल्सियस यहां का तापमान है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना गर्म है, और यहां तक हमें जो अर्थ पर जो टेम्परेचर फील होता है वो इसलिए क्योंकि हम बैठे हैं 150 मिलियन किलोमीटर दूर, तब जाकर के हम इससे बचे हुए हैं। तो आप कहेंगे सर कि ये जो आपने जेम्स वेब बताया ये कितना नजदीक चला गया? हमने कहा बेटा अगर ये चंद्रमा पर भी है तो ज्यादा दूर नहीं गया है। बोले क्यों? क्योंकि भाई चंद्रमा तो अर्थ का ही सैटेलाइट है। चलिए ठीक है, तो जेम्स वेब की वजह से आज हमें क्या जानकारी मिली, अब हम उसे जान लेते हैं। देखो साथियों, आज जो हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के पीछे जिम्मेदार है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो रिपोर्ट किया है हाल ही में। वो बोले सर ये जानकारी देने वाला संवाददाता कौन था? जैसे अमेरिका के अंदर कोई भी जानकारी हो तो वहां के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बाहर निकल के आ जाते हैं, इंडिया में कुछ हो तो प्रवक्ता बाहर निकल आते हैं। भाई साहब यहां पर प्रवक्ता के नाम पर स्पेस वेदर फोरकास्टर हैं डॉक्टर तमिता स्कोव, उन्होंने ट्विटर पर एक जानकारी साझा की। आप पूछेंगे ये कौन सी हैं, कहां से आ गई हैं? ये समझ लो कि ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लंबे समय तक नासा के लिए काम किया है। फिलहाल के लिए जैसे मैं आपको दुनिया में जो भी चल रहा है उसे इधर उधर से टीप टाप के सुना देता हूं, ये मैडम जो है दुनिया में जो भी चल रहा है उसे नासा की वेबसाइट से देख करके सुना देती हैं। एक प्रकार से समझिए कि ये नासा के डेटा को रीड करने वाली वैज्ञानिक है, और ये अपनी जानकारी हाल ही में जैसे ही दुनिया के सामने रखी दुनिया में एकदम बवंडर मच गया। ये है डॉक्टर तमिता स्कोव। तमिता स्कोव ने हाल ही में कहा, चलिए चर्चा करते हैं पोलर वर्टेक्स की। कईयों ने पूछा ये क्या होता है भाई पोलर वर्टेक्स? अगर हम धरती को देखें
तो धरती के पोल्स पर यानी कि एक तरह से 66.5 से ऊपर डिग्री के जो क्षेत्र हैं वहां पर ध्रुवीय रूप से जो भी बवंडर आते हैं उन्हें पोलर वर्टेक्स असामान भाषा में कहा जाता है। हालांकि ज्योग्राफी की भाषा में पोलर वर्टेक्स को अगर समझाने निकलूं तो मुझे ही 15 मिनट आपको एक बार में समझाने में लगेगी। फिलहाल के लिए समझ लो पोल पर आने वाला तूफान पोलर वर्टेक्स है, आसान भाषा में बोल रहा हूं, ठीक है। ऐसे इन्होंने कहा कि पोलर वर्टेक्स की बात करते हैं, लेकिन इस बार जो हमारा पोलर वर्टेक्स की चर्चा है वो पोलर वर्टेक्स सन के ऊपर चर्चा की जाएगी जो कि 55 डिग्री पर देखा गया है। अब इन्होंने एक तस्वीर साझा की जो आपके सामने ये रही। अब आपको मैं डॉक्टर तमिता इस्कोव से ही मिलवा देता हूं, आप इन्हें ही सुन लें ताकि आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाए। ये है डॉक्टर तमिता इस्कोव, इन्होंने जेम्स वेब का प्रॉपर एनालिसिस करके एक वीडियो जारी किया, आप सुने। अब आप सुन तो पाएंगे नहीं, मैडम अंग्रेजी बोल रही हैं। मैडम जो बोल रही हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैडम ने केवल इतना कहा है कि देखिए भाई ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है सन कुछ इस प्रकार से घूम रहा है, इसमें आप देख रहे होंगे ये चमकने चमकने वाले जो स्थान दिखाई दे रहे हैं, ये जो चमकने वाले स्थान इन सबको कुछ नंबर दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं 32-14 नंबर, 32-13 नंबर। अब मैडम जो है ना ये जिस तरफ हाथ कर रही हैं आप इधर की तरफ ध्यान दीजिएगा, देखिएगा अभी ये मैडम जो है जिस तरफ हाथ कर रही हैं इधर की तरफ देखिए, इधर आपको 32-17 नंबर एक चमकता हुआ क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यानी कि सूरज पर ऐसे बहुत से हिस्से हैं जो लगातार चमक रहे हैं और उन्हीं चीज पे आपने मैंने जहां पेन से निशान बनाया है आप वहां देखें यहीं पर बवा, ये देखिए उम्मीद है आपको विजिबल हुआ हो, एकदम एक हल्का सा वो निकला हुआ था है ना, अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहां पर एक छोटा सा बबल सा बाहर निकल करके आया था। इनका कहना है कि इधर की तरफ जो कि सन के 55 डिग्री साइड में है यहां पर एक बबल जैसी चीज बाहर निकलकर आई है। तमिता इसको आगे इनका एक वीडियो और आप सुन सकते हैं, देखिए हालांकि अंग्रेजी मैंने म्यूट कर रखी है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं। मैडम ने बकायदा वीडियो बना के समझाया है, मैडम का खुद का यूट्यूब चैनल है, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं, तमिता इस्कोव के नाम से है, आप वहां पर जो समझ पाए उससे आसान भाषा में कोशिश कर रहा हूं मैं समझाने की। मैडम ने कहा कि ये जो लपटें उठी है ना ये ऐसी लपटें आज तक उठी नहीं है, अगर सूरज को भी हम गोला मान करके बांट दें तो ये 55 डिग्री से ऊपर लैटिट्यूड से ऊपर है, जैसे अपन अर्थ पर होता है तो 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर कहते हैं, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ऊपर की तरफ आर्कटिक सर्कल। इनका कहना है कि सूरज का जो 55 डिग्री वाला हिस्सा है ना वहां पर ये वाली फ्लेयर्स उठी हैं, 55 डिग्री लैटिट्यूड पर ये फ्लेयर्स उठी हैं, ये फ्लेयर्स नहीं है ये और की तुलना में सबसे बड़ी फ्लेयर्स हैं, जिसकी वजह से और बहुत सारी जगह पर दुनिया को समझने में आसानी मिलेगी, ठीक है। तो मैडम की जो बातें हैं उनको लोगों ने हाथों हाथ लिया और इस तस्वीर को समझने का प्रयास किया। ये जो सूरज से उठा हुआ हिस्सा आपको दिख रहा है इसे देखकर आप में से बहुत सारे लोगों को अचानक शांति मिली होगी। शांति क्या मिली होगी कि यार कोई नहीं चलो बच गए। बोले कैसे बच गए, बोले मैडम ने जो कहा वो बहुत छोटा सा टुकड़ा दिखाया है, इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, अदरवाइज कोई बड़ा सा टुकड़ा आता पता चलता कि अगली बार के एग्जाम में हमें चाप 8 की जगह 9, 9 की जगह 10 हमको पता चल रहा है प्लेनेट याद करने पड़ रहे होते। चलो कोई नहीं आप परेशान ना हो, फिलहाल के लिए इतना सा परेशान हो ले कि अचानक हो सकता है आपके मोबाइल का डेटा ऑफ हो जाए, हो सकता है अचानक बहुत पूरे देश के अंदर ब्लैकआउट हो जाए, बिजलियां चली जाए, या हो सकता है कि आप पूरे देश के अंदर अचानक बहुत बड़ा हड़कंप देख लें। बोले आप क्या डरा रहे हो सर, हमने कहा मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि जब भी सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं सन के छोटे से टुकड़े के रूप में जब अर्थ की तरफ आती हैं तो एक शॉक क्रिएट करती हैं और वो शॉक आपका बहुत कुछ हिला देता है। साथियों ये जो सोलर फ्लेयर्स आपको अगरबत्ती जैसी उड़ती हुई दिख रही हैं, आपको लग रहा है कि अरे इतना तो हम सर्दी में सर लकड़ी जलाए थे उससे धुआं नहीं निकला था, आप हमें क्या दिखा रहे हो। अरे प्यारे साथियों ये अगरबत्ती का धुआं नहीं है, इज्जत दो नीचे की तरफ, 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां पर इतना टेम्परेचर है कि जिसे आपने आज तक पैमाने पर नहीं देखा होगा, उसके ऊपर का धुआं है, ये धुआं भी अपने आसपास की आग से कई गुना तेज है, ये जब चलने लगता है तो ये अर्थ की तरफ कुछ यूं चलता है। ये देखिए ये सोलर फ्लेयर्स जो हैं जब चलती हैं तो आप में से कई लोगों ने कहा होगा अरे सर अर्थ से पहले तो बहुत सारे वो है प्लैनेट्स हैं उनका, मैंने कहा ना अर्थ भी डायरेक्ट सामने के सामने है, सब लोग अलाइन है दूरी के हिसाब से, ठीक है। तो अब यहां पर देखो यहां सूरज की तरफ से ये सोलर फ्लेयर निकलकर चलना शुरू हुआ, 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास दूरी है। कुछ लोग कहेंगे देखा आपने डेटा गलत बता दिया, 150 बता रहे थे यहां 149 लिखा है,
है। मैंने कहा प्यारे साथी, लिखा तो कई जगह 90 मिलियन भी है, हो सकता है कि सूरज से पृथ्वी की दूरी समय समय पर दूर और नजदीक होती है। आपको मालूम हो तो सूरज के जब चक्कर पृथ्वी लगाती है तो वो कभी उसके नजदीक तो कभी उसके दूर जाती है, ठीक है ना। एपीहीलियन पेरिहीलियन कंडीशन, जैसे चंद्रमा के साथ एपोजी और पेरिजी कहते हैं, ऐसे ही। ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे फिलहाल, बस इतना सा समझ लो। तो ये जो सूरज की तरफ से निकली हुई जो जानकारी आपने देखी सोलर फ्लेयर के रूप में, ये अर्थ की तरफ यूं चलने लगती है। तो क्या ही फर्क पड़ गया, आग ही तो है। अरे मेरे प्यारे साथियों, ये आग से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वर्षा है। इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं? अरे हमने कहा ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं, 1H1 1H1 मिलते हैं, तो 2HE2 2HE4 नहीं बन पाता है। तो बोले फिर, बोले ये तो 1H2 + 1H3, बोले ये क्या पढ़ा रहे हो? हमने कहा ड्यूटेरियम ट्रिटियम मिलते हैं, उनकी वजह से हीलियम का निर्माण होता है। बोले हीलियम के निर्माण में बोले इलेक्ट्रॉन भी कई बार बाहर रह जाता है, और इलेक्ट्रॉन की वर्षा है जो सामने की तरफ होती है। तो बोले उससे क्या होता है? हमने कहा अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक पोल बने हुए हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बोले ठीक है, तो हमने कहा फिर उनमें मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म निकलता है, यानी कि एक फ्लेयर एक पोल से दूसरे पोल की तरफ मैग्नेटिक फ्लेयर्स चलती हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो बोले फिर हमने कहा जो इधर से इलेक्ट्रॉन की वर्षा आ रही है वो इस मैग्नेटिक फील्ड से जो कि अर्थ के चारों तरफ बना हुआ है इससे टकराती है। तो बोले फिर क्या होता है? अरे हमने कहा तो भाई यहां पर एक बो जैसी, यानी कि एक धनुष जैसी संरचना का निर्माण होता है। बोले इससे क्या होता है? अरे हमने कहा अगर बहुत तेज इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो आप इधर की तरफ और इधर की तरफ, अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियोलिसिस, इधर की तरफ बोरियोलिस इधर की तरफ ऑस्ट्रियोलिस जैसी घटनाएं देखते हैं। फिर पूछेंगे सर कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं हो गया? हमने कहा केवल आसान भाषा में इतना समझ लो कि यदि ये आता है ना, तो यहां जब टकराएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आप तक तो डायरेक्ट इसे नहीं आने देता, लेकिन जैसे ही ये शॉक खुद से सहन करता है तुरंत हमारे देश में या दुनिया भर में कई जगह माइक्रोचिप डैमेज हो सकती हैं, पावर ग्रिड टूट सकते हैं, रेडियो में इंटरफेरेंस आ सकता है। बोले अच्छा, इतना खतरनाक है क्या सर ये? हमने कहा बस कैलकुलेट ही किया जा रहा है कि जब हॉट गैस बाहर निकलकर आती है तो वो जो हॉट गैस बाहर पार्टिकल्स निकलकर आते हैं सूरज से, वो सोलर फ्लेयर आग की तरह निकालते हैं जो 2,00,000 माइल प्रति सेकंड के हिसाब से ट्रेवल करते हैं। 2,00,000 माइल प्रति सेकंड के हिसाब से ट्रेवल करने वाले ये जो पार्टिकल्स हैं, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आते ही इस फील्ड को पूरी तरह से बदल देते हैं, इलेक्ट्रिक ग्रिड को डिसरप्ट कर देते हैं, ऐसी संरचना बनकर आती है। तो उम्मीद है आज का ये सेशन बहुत ज्यादा साइंस और ज्योग्राफी का सेशन हो गया है। सामान्यतः दुनियादारी की आप जानकारी हमसे सेशंस में लेते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ अटपटा सा ही आपको अनुभव हो रहा है। बोले अभी क्या करें आप वो बताओ, अभी घर से बाहर निकले कि नहीं निकले? ग्रहण जैसी स्थिति तो नहीं है? हमने कहा कछु नहीं है, मस्ती से जाइए, जो होगा वो आपको बता दिया जाएगा, फिलहाल लोड मत लो। तनिता इसको मैडम के वीडियो देखते रहना, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, उन्हें पैसा वैसा नहीं दिया है, मुझे अखबारों में जानकारी आई है, वो जानकारी आपसे साझा कर रहा हूं, ठीक है। कहा जा रहा है कि पैसिफिक ओशन क्षेत्र के अंदर एक शॉक वेव देखी गई है, लेकिन जैसे भी कोई ज्यादा जानकारी आएगी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर बताना है ना, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे जानकारी देनी है कि आपको यह जानकारी कैसी लगी, ठीक है। चलो फिलहाल